नमस्कार एक बड़ खुलासा सह अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गाशीष मंत्री प्रताप जेना आईन मंत्री पंचायती राज मंत्री नगर उन्नयन मंत्री एवं तांको नारे अछि दफा 302 लागिथिला महंगा डबल मर्डर केस रे एवं तांको परिवार रो मालिकाना रे थिबा दुशासन जेना स्टॉकयार्ड पाखुरु प्रफुल्ल विश्वाल और काबुआ जी अन्यतम अभियुक्त तार मृतदेह मिलता एवं आम पाखे एमती दस्तावेज लगी प्रमाणित करुच्चे पुलिस सुरक्षा दे मंत्री प्रताप जेना को पूर्वर भी सामान अभोग आते जितेबले चार्जसीट्रु मुदाला नंबर 13 जी हूं आईन मंत्री प्रताप जेना ना को काटि पुलिस एवं कूलमणि बराल जी हत्यार शिकार होती पुअ रमाकांत बराल कोर्ट को द्वारस्थ होते कोर्ट निर्देश देते पुनः तदंत ए घटना को लेकिन विधानसभा हुस्तुल आज छात्र कांग्रेस भी हल्ला बोल किंतु आम पाखे लगी एक्सक्लूसिव दस्तावेज जहां खुलासा कर महाखुलासा जे किभली भावे ये पूरा घटना को चापियापाई प्रयास करा महंगा डबल मर्डर नृतंगर होता कूलमणि बराल दिव्य सिंह बराल को नृशंस भाव हत्या करागला एथिरे थिले 13 नंबर मुदाला मंत्री प्रताप जेना आईन मंत्री पावरफुल कैबिनेट मंत्री आज आम खुलासा करूँ प्रफुल्ल विश्वाल जहां मृतदेह मिलला स्टॉकयार्ड पाखु मंत्री प्रताप जेना मालिकाना थी कहगला ट्रक चढ़ीगला कितु ना बैक रिच्छी क्षति है ना हेलमेट्र ता पूर्वर भी कनभरसेसन जे सी फोन करूलमणि बराल पुओं को मुझे डिटेल्स को जी कि प्रथम खुलासा करी मो सहित जोड़ी होती मो सहयोगी शांतिभूषण मिश्रा मो सहित भी रही मो सहयोगी शिवानंद दास प्रथम शांतिभूषण पाखक जी से खुलासा करेंगे जो एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगी हर्गस हाथ से कौन प्रमाणित करुच्ची शांतिभूषण टे दर्शक देखु जे आम पाखे जो दस्तावेज लगी शांतिभूषण निश्चित दुर्गाशीष अर्गस हाथ में जो दस्तावेज लगी प्रमाणित कर जो महांगा डबल मर्डर परवर्त समय आउ एक मर्डर होता है तार दस्तावेज लगी अर्गस हाथ में से मर्डर बोली एक्सीडेंट बोली कहुला कि मर्डर थी यही आम कहूँ कि जो पुलिस डॉक्यूमेंट ये दस्तावेज हूँ पुलिस मुझ चाहिए बड़ स्क्रीन में देखापी जो चार्जसीट पुलिस दाखल कर महांगा डबल मर्डर में जी आक्यूज था काबुआ प्रफुल्ल विश्वाल पाखु पुलिस मोबाइल जबत करी किंतु से मोबाइल ने सिम कार्ड नथिला ये होची चार्जसीट देखु ये होची पुलिस चार्जसीट जो पेज रे रही 18 नंबर सीरीयल ले मोबाइल हैंडसेट ऑफ द डिकीज काबुआ प्रफुल्ल विश्वाल भिवो 1801 आपण से ही पेज को देखापी चाहिए ये होची चार्जसीट चार्जसीट पुलिस जो दाखल कर महांगा डबल मर्डर केस रे जो लेखा अच्छी प्रफुल्ल विश्वाल पाखु जो जबत हो मोबाइल से सिम कार्ड नथिला अर्थात एटी गोटे कथा स्पष्ट जे प्रफुल्ल विश्वाल से एक आगुआ जाणीला तार एक्सीडेंट हम से मोबाइल सिम कार्ड की से फिंगी देता एक कहुची जे जो षड्यंत्र रचा जाता से षड्यंत्र अंश स्वरूप पुलिस एक कथा पुलिस जो जबत कर मोबाइल मुझे चाहिए से पेज को देखापे जो पेज रही मोबाइल हैंडसेट जो मोबाइल हैंडसेट पुलिस जबत कर भिवोर 1801 से ही हैंडसेट रे दुईटी सिम थिला तार आईएमईआई नंबर पुलिस से उल्लेख करछि सिम कार्ड नथिला मु अनुरोध करुछि पीसीआर रे से जो से पेज को देखापी चाहिए जो दस्तावेज आम हाथ में अच्छी 18 नंबर रे पुलिस जो चार्जसीट रखी चार्जसीट रे 18 नंबर रे जहाँ दाखल करी उल्लेख कर प्रफुल्ल विश्वाल पाखु जो जबत हो मोबाइल से सिम कार्ड नथिला एवं जो सिम कार्ड नथिला गोटे कथा स्पष्ट दुर्गाशीष जो कथा अभियोग होता जे प्रफुल्ल विश्वाल होची काजे काबुआ सी होची मुख्य अभियुक्त थिला महांगा डबल मर्डर केस्र किंतु अचानक भाव में जो दुशासन स्टॉकयार्ड अच्छी से तार एक्सीडेंट होता ता पूर्व से रमाकांत बराल को फोन करते मत फसई दि जाइए एवं तांकु किए फसई मंत्री फसई एक से कही तेणु प्रमाण ताला से मर्डर कराइला मुझे चाहूँ देखा ये देखो ये जो 18 नंबर कथा मुझे कहती ये 18 नंबर पुलिस देखु मोबाइल हैंडसेट ऑफ द डिकीज काबुआ और प्रफुल्ल विश्वाल वन भिवो 1801 मोबाइल हैंडसेट बियरिंग आईएमईआई नंबर दुईट अच्छी आईएमईआई नंबर और लिखाई है विदाउट सिम कार्ड नथिला तो दुर्गाशीष गोटे कथा स्पष्ट जो षड्यंत्र
ବିହ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିଛନ୍ତି 120B ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନେତାମାନେ 120B ମଧ୍ୟ ଫସିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 120B ଦଫାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ 6 ମାସ କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେଉଁ ଜବତ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ସେ ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲରୁ ସିମ୍ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଲୋକେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଇଏ ଅଭିଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ସତର ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦୁର୍ଗାଶିଷ କରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଖୁଲାସା କଲେ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ଯେ କାବୁଆର ମୋବାଇଲ ଜବତ ବେଳେ ତା ସିମ୍ କାର୍ଡ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଏଇ କାବୁଆ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ ନନା ଏ ଫୋନ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଛି କି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛି କି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଦବୀରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ କେମିତି ହେବ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁଣି ପୁଲିସ ବାବୁ ପିକେ ଜେନା ଯେ ଯାଇକି 2017ରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ଧମକେଇଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ମିଶୁ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଶିବାନନ୍ଦ ଆଜି ଖୁଲାସା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ମହାଖୁଲାସା ହେଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ ପାଖରୁ ମିଳିଲା ଦୁଃଶାସନ ଜେନା ଯେ କି ପରିବାର ମାଲିକାନା ଯେ ୟାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ସେ ଷ୍ଟକ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଠୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତଦେହ ମିଳୁଛି ଏବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଶିବାନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 January 2 ଦିନ ମହାଙ୍ଗାର ନୃତାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତିନୋଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302ର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଏତଲାରେ 14 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 120B 147 148 302 506 149 25 ଏବଂ 27 ଦଫା ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହି ଘଟଣାରେ 14 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 13 ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଏତଲାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ହଉ ଏକ ପ୍ରକାର ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏହାର ସାନି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି 2 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର କି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ତେବେ ସେହି ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଶାସନ ଜେନା ୟାର୍ଡ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା କେଉଁଠି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଶାସନ ଜେନା ୟାର୍ଡ ନିକଟରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସିଏ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଇଏ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ବଦନାମ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନଜର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଇଏ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ପୁଲିସର ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେଲା
काबुआर उर्फ प्रफुल्ल विश्वाल जी भी अभियुक्त तांकर सिम कार्ड से नाला से पुणी कथी कूलमणि बराल पुओं सहित ये कॉल डिटेल्स कहीं जांच अनेक प्रश्न आसुची सिक्त चौधरी देखु आरंभ रु ही महांगा पुलिस सन्देहजनक कार्यकलाप सामना को आपण जदि देखिए दुई जनकर हत्या परे परे महांगा पुलिस से इंटरेस्ट सहित तो इन्वेस्टिगेशन कला ना एवं तापरे परे जो प्रफुल्ल विश्वाल कथा कहते आम समस्ते मतबले आप्रिहेड करते आम कहते ना ये केवे भी एक सड़क दुर्घटना नुहे ये निश्चित भाव एक हत्या सो ये हत्यार षड्यंत्र जो मैंने अच्छा तार तथ्य उन्मोचन हो सो आपको मध्य पुलिस ठीक भाव इन्वेस्टिगेशन कलानी आर परवर्ती पर्यायर आप देखिए यार जो आप चार्जसीट कौन सीम कार्ड नाई बोली स्पष्ट भाव उल्लेख अच्छी ये षड्यंत्र अन्य कौन सा विशेष सो आर यदि समस्त दिग को देखिए ये कौटना कौटी पुलिस पुलिस प्रेसर अच्छी अदृश्य शक्तिर प्रेसर में पुलिस तार काम करना इन्वेस्टिगेशन ठीक रास्त ना मुझे कहबी वर्तमान धीरे धीरे सब कथ स्पष्ट हो गला कालम विलंब नक राज्य सरकार निर्देश दिंतु आर उच्चस्तरीय तदंत हो एसआईटी गोटे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन कर तदंत हो नचे यदि राज्य सरकार चाहूं स्वच्छता मेनसन मेन्टेन करने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रस्ताव दिंतु एवं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हेले समस्त तथ्य पदाक आसव जो स्वच्छता कथा आरंभ रु सरकार कही पुलिस निरपेक्ष तदंत कर हास्यास्पद निश्चित भाव देखु जो अधिकारी हूँ मंत्री हूँ जो मैंने अच्छा सांविधानिक पोस्ट अच्छा से मैंने स्वतप्रभुत भाव में पदत्याग करदे उचित नचे जो मैंने अच्छा पदभारी ग्रहण करिवारे जो मैंने पदवी दे सेमाने तुरंत ताऊपर कार्यानुष्ठान करूँ नचे ये प्रकार इन्वेस्टिगेशन गोटा प्रहेलिका भाया हम मानने ठीक भाव इन्वेस्टिगेशन हो पार ना एक आम कहूनु मानव सुप्रीम कोर्ट अनेक क्षेत्र में कही जे जदि वरिष्ठ अधिकारी मानक इनवल्वमेंट थाए ताले तुरंत से मानक हटे देवार अच्छी से जगार नचे दूर को बदली करदेवार अच्छी अदर अदर किंबा से कहा जाऊ से इस्तफा दे दिंतु ये भाया कथा को जदि कौन अधिकारी कौन मंत्री ग्रहण करूना तेनाली मान्यवर मुख्यमंत्री विचार करने कथा स्वच्छता किभली रहा मान्यवर मुख्यमंत्री को आम आशा करूचु मान्यवर मुख्यमंत्री ये स्वच्छतार कथा आईन ता बाटर जीव ये आईन ता बाटर जाऊ एडे आईन ताबाटर जाऊँ तो यहीपाई प्रश्न निजे मंत्री प्रताप जेना कहले जे मु व्यक्तिगत भाव देखी केमती ना मिल निजे आक्यूज आपण सहित दीप्तिकांत मर्डर केस एवं विकास जेना मर्डर केस ये भी ना आसुची एवं आपण सुरक्षा दौंती अभियुक्त मानक जो मैंने हत्या अभियुक्त आपण सुरक्षा दौंती बड़ कथा ये आईन मंत्री रही आईन ता बाटर जीव कि प्रथम तो प्रमाणित हो सारी यां संपर्क पीके जेना पुलिस चार्जसीट रू या ना काटिदेला कोर्ट रियलाइज कले जे नाई तदंत तो ठीक है से तो इन्वेस्टिगेशन तदंत तो निर्देश देले पुनः तदंत तो कि तदंत तो निरपेक्ष हम तो शांतिभूषण आम आम भी देखे कोर्ट अर्डर देले आम भी सैटा खुलासा करें कि बड़ प्रश्न जे तदंत निरपेक्ष हम तो शांतिभूषण निश्चित भाव जो प्रश्न एवं आपड़ पचारूँगी मूलर हिं अर्गस से प्रश्न पचारिता विरोधी मैंने अभोग करते तदंत तो निरपेक्ष हेना ये हम ना जेहेतु आईन मंत्री ना अभोग अच्छी आईन मंत्री तदंत को प्रभावित करी स्पष्ट भाव में जमापड़ दुर्गाशीष दुईट कथा प्रथम कथ हो गोटे दिन पूर्व मृत्युर गोटे दिन पूर्व प्रफुल्ल विश्वाल फोन करते रमाकांत को बराल को से कही मत फसईदे मो पा छुआ आपण को लगला एवं जो मोबाइल से फोन करते मोबाइल रे पुलिस जो जबत कला से मोबाइल भितर सीम ना एथर गोटे कथा स्पष्ट हो पुलिस जो षड्र रचि कथा अभोग हो षड्र गोटे अंश विशेष एक नुहे तो ये प्रश्न ये उठू जेहेतु जे आक्सीडेट समय आप देखिथे अक्षुण्ण थी से मोटरसाइकिल जहाँ चढ़ुते प्रफुल्ल बाबू एवं जो हेलमेट लगे थे तार किसी कहगला ट्रक चढ़ मृत्यु है जदि दुर्घटन दुशासन स्टॉकयार्ड पाखे जहाँ प्रताप जेना पर मालिकान अच्छी से आक्सीडेट है ट्रक चढ़ीगला कितु तक हेलमेट रही बैक्र कि
ये सब अक्षुण्ण रहा मृत्यु है पाखु जो मोबाइल जबत है से मोबाइल सिम कार्ड ना दुईट सिम थ कथा से जना पड़ी जहाँ दुर्गाशीष मुँह कहली आई एम ई आई नंबर जो अच्छी दुईट नंबर अच्छी मोबाइल सिम ना बोली पुलिस लिखी तेणु पुलिस पूरा सन्देह घेर को आसूची तेणु जो प्रश्न आप पचारे मूलर जे तदंत निरपेक्ष हम तो तदंत निरपेक्ष हम ना यही जहाँ आईनजीवी आपन को कहले विभूति बाबू जे जेहेतु आईन मंत्री रही आईन मंत्री विरोध में पुलिस तदंत करुच्छी तेणु पुलिस ठीक ढंग से तदंत मूलर करना पिके जो पिके जेना जो थे सड़ु हिसाब हे प्रताप जेना सी पूर्व अभियोग रमाकांत बाबू अनेक थर अभोग कर थाना से नहीं मामला अच्छी पंचायत इलेक्शन पूर्व से जोर जबरदस्त घर को राति अधरे आसी रमाकांत बाबू को बीजेडी मिसाइल प्रवर्तन उठे नहीं तो एथर गोटे कथा स्पष्ट जे ये जो पूरा डबल मर्डर घटन मूल कथा हूँ आवास दुर्नीति आवास दुर्नीति को लोकलोचन को आनी कूलमणि बाबू और जितेबाड़े निजे अड़ुआ पड़े मंत्री प्रताप जेना से रास्तु हटाप षड्यंत्र कले षड्यंत्र ब्लू प्रिंट रचा जाता जो बार जन लोक अभियोग थे प्रफुल्ल विश्वाल नाँ था दुई नंबर से प्रफुल्ल विश्वाल जिते मृत्युवरण कले आक्सीडेट से कहगला आ पचर किसी कारण ना तो रहस्य ना तो रहस्यर पर्दाफाश एवं अर्गज करुच्ची पुलिस जो चार्जसीट दाखल करती कोर्ट्रे मुझे आउ थे देखा चाहिए स्क्रीन में से जो चार्जसीट्र दुई पेज आपको देखली प्रथम पेज एवं जो पेज रही जो आप देखु ये अठर नंबर अच्छी मोबाइल हैंडसेट कथा कहुई प्रफुल्ल विश्वाल जो जबत है भिवो 1801 मोबाइल से ही हैंडसेट दुईट आई एम ई आई नंबर रही नंबर दुईट देखते आप दुईट नंबर रही विदाउट सिम कार्ड लिखाई पुलिस लिखी से मोबाइल सिम कार्ड नाला तेणु दुर्गाशीष गोटे कथा स्पष्ट जो अभियोग विरोधी मूल करते षड्यंत्र रचा जा प्रफुल्ल विश्वाल जी अभियुक्त मरा जाहेतु सी कहिया पे राजी थे एमती कि रमाकांत को मध्य फोन जोगे कही फसई दि जाए मंत्री फसई तेणु मंत्री अड़ुआ पड़े से कांड से करना तो ये अड़ुआ पकड़े काले पड़े सुरक्षा देवाई ये कांड बड़ कथा जे कहीं कॉल डिटेल्स जांच हलानी कारण कुलमणि बराल पुओ एक समस्त को जन मेल भी करूँ भी आम देखेलु से भी देखे किंतु कहीं तदंत परिसर को आसिले मंत्री रही तदंत निरपेक्ष हो कि शिवानंद ये जो बड़ कथ आसूसी जो कथा शांतिभूषण कहते आवास दुर्नीति कथा जी दुर्नीति विरोध में मुह खोल ता मुह चुप करदे माड़ मारे ना हत्या करेंगे यही घटन जे पुलिस जे बिवाद घर ये कौन प्रश्न ही ना कारण ये आईन मंत्री कैबिनेट पावरफुल मंत्री यहाँ घंट घोड़ कैप्टेन आप्टेन होकर बस पुलिस रिवान देखो दुर्गाशीष महांगारे जपरी भाव आवास महादुर्नीति कथा उठी खोद मंत्री पंचायतराज मंत्री प्रताप जेना निर्वाचन मंडल में आवास महादुर्नीति होता आप देखू 2014 मसीह महांगारे एक हत्याकांड होता दीप्तिकांत साहू को 2014 मसीह हत्या कर 2018 मसीह एक हत्याकांड घटी विकास जेना को मध्य हत्या कर जो कथार कि अभियोग कर घटना पचर रही आवास महादुर्नीतिर चर से जो कथा कह 2021 मसीह जनवरी 2 तारिख में कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल को जो हत्या करागला सेमाने मध्य सूचना अधिकार आईन बल आवास महादुर्नीतिर तथ्यर खुलासा करते यही तथ्य को नहीं मध्य दिल्ली दरबार पर्यंत जाते जो कि सीधा सड़क मंत्री प्रताप जेना धला चेहरा तले कला मुखा खोली जाता एवं जहाँ को लेकिन कि से सीधा सड़क एपरी एक कांड कर षड्यंत्र रचि पर पक्षर अभियोग वर्तमान आपण निकट में आउ गोटे तथ्य रखी दुर्गाशीष सीधा सड़क आप एतला कपी देखिए एतला कपी में जो मानकर नाम रही से मध्य एक नंबर अभियुक्त भाव रही भिकारी चरण स्वाई जी मंत्री प्रताप जेना राइट हैंड एवं पूर्वतन ब्लॉक चेयरमैन एवं से रही दुई नंबर अभियुक्त प्रफुल्ल कुमार विश्वाल ओरफ काबुआ जहाँ कि मृतदेह मंत्री प्रताप जेना परिवार मालिकाना दुशासन जेना यार्ड निकट रू मिले तृतीय नंबर अभियुक्त थे प्रमोद विश्वाल चतुर्थ नंबर थे ललित मोहन बराल पंचम नंबर थे विजय कुमार बराल विजय कुमार बराल जी एवं फेरार अच्छा किंतु सबुठ दुर्भाग्यजनक घटना सरकार रेकर्ड रे से जन जल संपद विभाग कर्मचारी होता बेले मसकु मस दरमा आसुवार अभोग आसूसी तेज जहाँकि संपूर्ण भाव पुलिस पारिपणिया प्रश्न उठू पुलिस पारिपणिया प्रश्न उठा जा डॉक्यूमेंट देखा गला जी
सरकारी तहफिल रु पैसा नौछंती से अभियुक्त से केमिति नेले पुलिस जानी सुनी प्रताप जेना को घंट घड़ौछि एथिरे कहिबार भी किछि नै ये प्रमाणित होइ सारुछि। सिक्त विभूतिभूषण चौधरी अछंती हम सहित। सिक्त चौधरी आइनगत दिग केमिति देखुछंती गोटे पुआ हत्या अभियुक्त को धरिया पई न्याय र लड़ई लड़ुछि एपटे पूरा प्रशासन पुलिस प्रशासन मंत्री को घंट घड़ौछि। सिक्त चौधरी नहीं ता ठीक कथा आपण सहित मु संपूर्ण भाव एकमत। पुलिस ये जो इन्वेस्टिगेशन करा जाउची बा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन अच्छी ता संपूर्ण भाव रे ठीक भाव रे हेई पारु नाही इन्वेस्टिगेशन एक कथा आम आरंभ कहीचे किंतु कथा आसुची ए इन्वेस्टिगेशन को ठीक भाव रे केमती निया दिबो एवं कल्प्रिट बा जो माने दोषी से माने किभली धरा पड़िबे तो आरंभ रु जदि आपण देखिबे सरकार तरफ रु जो प्रकार प्रॉम्प्ट एक्शन दबार थिला प्रोएक्टिव स्टेप नबार थिला राज्य सरकार मध्य ताकु नेले नाही तेरे इन्वेस्टिगेशन हवा कथा उठिला एवं 13 नंबर अभियुक्त कथा उठिला तुरंत राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं थांते एवं ताकु मंत्री पदरु निश्चित भाव रे हटेया पे व्यवस्था करि थांते किबा अपसारण करि थांते सो जदियो या मुख्यमंत्री के इच्छाधीन क्षमता किंतु राज्य सरकार एभलिया निष्पत्ति नहीं जनमानस राज्य सरकार जो स्वच्छता कथा आउरी स्पष्ट ही थांता किंतु राज्य सरकार एक कथा न करी जो भूल करी भविष्य रे तापे राज्य सरकार दायी रहिबे। आउ गोटे कथा आसुची ये जो षडयंत्र किभली खोलास हम मु आरंभ रु मध्य आपण चैनल कहिची एबे मध्य आउ थरे स्पष्ट भाव रे कहुची पुलिस द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन केबे हले निरपेक्ष हेइ परिबो नाइ तेणु सेंट्रल एजेंसी सीबीआई द्वारा जो पर्यंत आर इन्वेस्टिगेशन न होइची केबे हले आमे पहुंचि परिबा नाइ दोषी पाखरे दोषी निश्चित खसी जीव या स्पष्ट ए पुलिस जिते चेष्टा करू मध्य हत्याकारी पाखे पहुंची पारे ना ये अंधार रे बाड़ी बुलेवा सदृश हम तेणु काल विलंब न करी राज्य सरकार स्वच्छतार आउ थे प्रमाण दियंतु एवं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्पष्ट निर्देश दियंतु अन्यथा मु आपण चैनल माध्यम रे मध्यम कहबि कुलमणि बराण को पुओ को सी आसंतु माननीय कोर्ट रे जो को आज कहीं निर्देश देते मजिस्ट्रेट सालेपुर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर कारण हूँ कौटि ना कौटि प्राइमा फेसाई मजिस्ट्रेट देखी जे तदंत ठीक रास्त गति करूना तदंत रु 13 नंबर अभियुक्त को ना को काटी दिया जीवाटा गोटे आईन अनुसार ठीक नुहे ये कथा स्पष्ट होगा पर पुनर्तदंत निर्देश दि जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर जो जो मान को इलेक्शन लड़ापी नोमेसन दिजिव ताकर जांच करा जीव राज्य सरकार चाहिले मध्य बा पार्टी चाहिले मध्य नोमिनेशन दे परिवो नाही अनलेस अंटिल एफआर रे ताका ना अछि एफआर जदि क्वास न होची ताका ना जदि नकटा जाउची किंबा चार्जशीट रे जदि ताकर ना आसुची बा पुनर्तदंत जदि ना आसीबो तथापि ताकू दिया जीव नाही ये विधि व्यवस्था एबे आसीची। ओके ओके जहां वरिष्ठ आईएनजीबी सुक्त विभूतिभूषण चौधरी कहउछंती जे सीबीआई तदंत दरकार आमे जो महाखुलासा कलु सेठु एटा प्रमाणित होउची जे पुलिस रो सुरक्षा रे मंत्री प्रताप जेना एमाने बॉस को खुशी करिवे किंतु हत्याकारी को अभियुक्त मानकु घंट घोड़ेवे अभियुक्त होउछंती मुदाला नंबर 13 दफा 302 लागिथिला मंत्री प्रताप जेना को नारे एवं तार पुनर्तदंत पई कोर्ट निर्देश देइछंती। बड़ कथा काबुआ और प्रफुल्ल विश्वास जे हत्या अभियुक्त जहांकर संदेहजनक मृत्यु होइछि तांको मोबाइल रे सिम कार्ड नाही जहार खुलासा करला अर्गस एवं बड़ कथा जे सिम कार्ड काहीकि नाही एवं कॉल डिटेल्स काहीकि जांच होउनी ये बड़ प्रश्न एवं काहीकि आईन मंत्री को बाहर करा जाउनी निरपेक्ष तदंत पई एवं सरकार भी घंट घड़ौछंती बदनाम मंत्री प्रताप जेना को। बहुत बहुत धन्यवाद मो सहित जोड़ी थे मो सहयोगी शांति भूषण मो सहयोगी शिवानंद दास और मो सहित थे वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त विभूतिभूषण चौधरी। ये घटन गोटे पर गोटे खुलासा करू सत को सामना को आणबू कारण ये दुई जन का डबल मर्डर घटना समय शेष होगी अर्गस बिग ब्रेकिंग वाइट रखुची नमस्कार।